कांड आप लोगों के बीच में मैं सुना दे रहा हूँ, जब आप लोगों की इच्छा है तो जरूर मैं सुना के जाऊंगा। चाचा लेकिन मन बना के सुन लिया। चलिए बात करें। Thank you.
चार दिन के जिंदगी में आदमी खिलौना है, बकरा भेड़ा का दीन धरा था लेकिन आदमी का दीन ना धरा था पिताजी। लेकिन एक एक लाइन पे गौर करिएगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो भाई दरवाजे पर भैंस को चारा डाल रहे हैं, खिला रहे हैं, सुन रहे हैं बिरहा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जाने के बाद आप लोग चर्चा करेंगे कि अशोक लाल यादव कुछ चीज सुबह की टाइम सुना के चला गया। होती है कहानी की शुरुआत और कवि देते हैं नज़्म का भाव। कैसे मास्टर? कहाँ भूले हो आज श्याम मुरलिया वाले, कहाँ भूले हो आज श्याम मुरलिया वाले, हमें तू भूल गए काली कमरिया वाले। प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, वहीं की खत्म यारों बन गई सुनामी है। पिता सुरजीत गरीबी में दिन बिताते हैं, पिता सुरजीत गरीबी में दिन बिताते हैं, बेकार जोगिंदर को शौक से पढ़ाते हैं। भाई सगाई घर में सुंदर लुगैया आईली, खुशी परिवार में सुंदर उदुलहिया आईली। एकदम झटके में कहानी के समझा दे। प्रांत हरियाणा में हिसार जिला है, जो पानीपत के बगल में है, अंबाला के बगल में है। हिसार जिला का रहने वाला एक किसान जो मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पालन परवरिश करता था। नाम क्या था? सुरजीत। औरत का क्या नाम था? सुशीला। सुशीला गर्भवती थी, बच्चा पैदा हुआ, 6 दिन का ही बच्चा था, सुशीला इस दुनिया को छोड़ चली। अब सुरजीत बाबू माई बन के लड़का के पाले पोसे लगलन। धीरे धीरे लड़का पढ़े लगल, लिखा लगल, प्राइमरी पास किया, जूनियर पास किया, और जूनियर पास करने के बाद वह हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर पास कर लिया, इंटर के बाद बीए भी पास कर लिया। जब बीए पास किया, कैसे किया? बच्चों को ट्यूशन करा करके और रात में रिक्शा चला करके वो जोगिंदर बीए भी पास कर लिया। बीए पास करने के बाद गांवपुर का लोग कहे लगलन, हे भैया, ये सुरजीत अपने बेटा जोगिंदर का ब्याह कर दा। ब्याह बगल 3 किलोमीटर धर्मपुर के रहे वाली एक मीना नाम की लड़की से जोगिंदर की शादी हो गई। मीना दुल्हन बनकर के जब आई है, सुहाग गृह में बैठी है, जैसे हर दुल्हन की भांति इंतजार कर रही है कि मेरे पति आएंगे, मुझसे जिंदगी की पहली मुलाकात होगी, कुछ कहेंगे, जिंदगी की पहली मुलाकात होगी। एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। देखा धुन तराना अपन अपन अंदाजा होला। कह चढ़ली जवानी हमार, चढ़ली जवानी हमार, अरे भाई बाका लो दूरे भौजी। कर्ज मानो भैया, लेकिन बिरहा का भाव कितना सुंदर है। दुल्हन रो करके चटाई से, चटाई पे बैठ करके अपने बालों से पूछ रही है, आखिर रो क्यों रहे हैं आप? मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी हूँ महेंद्र भैया, लेकिन जोगिंदर कह रहा रे पागल, मैं इसलिए नहीं रो रहा रे कि तू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे घर में 2 जून की रोटी नहीं है रे मीना,
मेरा बाप मजदूरी करके आता है तो मुंह झूठ लगता है। तो कहे लगल मेहरारू आखिर इच्छा काला, तो बता रहा है जोगिंदर। क्या करना चाहते हैं? कहा मैं बीए कर लिया हूं, मैं बीसीएस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रे मीना। तो कह रही है जीवन का सारी खुशियां तोहपे लुटेबा और तू परिहा राजा हम जाके कमेबा। लेकिन अरे मेहनत का फल भैया, मेहनत का फल भैया, सिहा को सैया ले सैया। मेहनत का फल कैया, सिहा को सैया ले सैया। कन्या हो चली जाना हमारा के अनगैया ले सैया। साथियों, जोगिंदर की दुल्हन, नई नवेली दुल्हन जो सुहागरात में बैठी है, चाचा जी चचा जी निकाल करके अपने पैर की पायल, कमर की करधनी, अरे वाह वाह, और मांग का टीका, कान की बाली, और दुल्हन के जो सुहाग का प्रतीक होता है मंगल सूत्र निकाल करके अपने बालम के पैरों पर रख देती है। जा, अरे चल सैया जा, जा बीसीएस करा और हम मजदूरी कर, अब हम जाके नौकरी कर ले शहर में, चौका बर्तन कर ले, वो पर पात की तुमके पढ़ाई। लेकिन बिहाय आप लोग सुन लिया जरूर, और परम आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री महेंद्र यादव बाबा जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, चरणों में कोट कोट प्रणाम, सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहना है चाचा, जोगिंदर पीसीएस की तैयारी करने लगा, और जब पीसीएस की तैयारी करने लगा, इधर धीरे धीरे समय हो गई, दुल्हन गर्भवती है, बच्चा पैदा होने वाला है महेंद्र भैया। लेकिन भयल का भरवे का टाइम रहा, 9 महीना 10 दिन बीतल, एक बच्ची के जन्म दे लक्ष्मीना, और अपने सैया से बुला के कलश की सुने बच्ची पैदा हो गया, और जोगिंदर का रिजल्ट आने वाला है, जो पेपर दिया है पीसीएस की, रिजल्ट आने वाला है। और बाबूजी से जाके कह देता कि जहां मजदूरिया करे बाबू जाला, बाबूजी जाला ना, वहीं से ना थोड़ी सा रोटी और कुछ ले आके दे, तो तू भोजन कर लेता, और तुम क्या करोगी? मैं पड़ोस में किसी से मंगवा लूंगी। वाह, जोगिंदर रोने लगा और बाहर गया, और जाकर के पापा से कहा, पापा नीम की दातुन तोड़ करके कंधे पर फौड़ा रख करके गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। जब जाए लगा तो एक लाइन तरस बदल गई मास्टर, सब अपने अपने लाइन में धुन के गावेला, लेकिन हम अलग गाइला।
अरे डूब मर बाये जो करूंगा लेकिन विरह के भाव पर आप लोग आना। अरे आई गई रे भैया आई गई रे बाबू डाकिया दुआ किया दरवाजे पर आ गया और सुरजीत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। महेंद्र भैया पूछे पूछा डाकिया कि भैया सुरजीत का घर कौन है। अरे भैया सुरजीत हम ही नहीं का बात बात आपके बेटा का लेटर है लेंगे आप रिसीव करेंगे। कहा ठीक है दीजिए लेटरवा ले। तब तक सुरजीत का बेटा जोगिंदर भी करीब आ गए। पापा क्या है। खोला लेटर तो उसमें लिखा है हिसार जिले से फर्स्ट क्लास जोगिंदर पीसीएस पास कर लिया। अरे बाप रे बाप एक मजदूरी करने वाले का बेटा पीसीएस पास कर लिया। बाप फूले नहीं समारा अपने बेटे को अखबार में भर लिया जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत मिल रहे हैं उसी तरह बाप बेटा मिल रहे हैं। पापा अब मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। पापा अब आपको फरवार नहीं चलाना पड़ेगा अब मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। जोगिंदर समझा दिया लेकिन तब तक खबरिया गई पेपर आ गया पूरे हिसार में चर्चा होकर लागल। और मीना अपने बालम के बोला के कलश की ए जी सुनी आज सवेर में बच्ची पैदा भेल अजवे कर नामकरण कह दें ए लिए कि आप के परिवार आपके घर में बच्ची पैदा भेल आपके पीसीएस का रिजल्ट आ गया आप पास के लिए हुआ का नाम रखवा। तो मीना मगना माना बालम के बोला वाली हो अब बिटिया का नाम अपने लक्ष्मी धरा वाली हो। कही कि बेटी का नाम आज ही रख दीजिए। जोगिंदर के मुख से आ गया कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हुआ है मेरे घर में लक्ष्मी आई है मेरी बेटी का नाम लक्ष्मी रहेगा। धीरे धीरे समय बीते लागल जोगिंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया और ड्यूटी कहाँ लगी इसी यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है टुंडला। टुंडला में ड्यूटी लग जाती है डीएम पद पर तैनात होता है जोगिंदर। एक बार दो बार तीन बार चार बार पचई बार जब खड़े लन छुट्टी लेके तब मीना अपने बालम का पैर पकड़ के रोवे लगल एक बात कलस का कलस मैटर एक लाइन तरह हो रहे उस्ताद गाँव माई कल बेटी बाबू कौन बड़ा ये तो तर्ज है मेरे भैया लेकिन गौर करिएगा और रो करके तुम नहीं कह रही अपने बालन से क्या हाथ जोड़ मीना कह बलमा से बतिया हो हाथ जोड़ मीना कह बलमा से बतिया हो तेरी हाजन मोरा पीता हो कुछ न कहो तुम
सुनने वाले भाई गौर करिएगा, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन जोगिंदर घर रहा और रात में जब मीना पैर अपने सैया के दबावे लगल रोए लगल, ए साहब चौका बर्तन के लिए आपके पढ़ाई खातिर लोगन का ताना मेहना सुन ली, लेकिन के मीनवा के कबो मत विश्वसी है साहब, केकरा चौकट पे जाके भीख मांगी। डांट कर कहा जोगिंदर, आए मीना पागल हो गई है तू, मुझे अनपढ़ गवार निरक्षर समझ रही है। कल ना साहेब ना साहेब, पांच दिन रहा जोगिंदर फिर ड्यूटी पर चला गया। वही पांच दिन के अइला में जोगिंदर और मीना के संपर्क से मीना के फिर बच्चा पैदा होके हो गए। लेकिन जोगिंदर जब ड्यूटी पर गया तो प्रमोशन कर गया, प्रमोशन से जोगिंदर अब एसडीएम नहीं एडीएम बन गया। एडीएम का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया और ड्यूटी लग जाती है आगरा। आगरा में जब लगती है तो जिस पार्क में जोगिंदर बैठता था उसी पार्क में डीएम साहब की लड़की प्रमिला भी बैठा करती थी। प्रमिला और जोगिंदर का आंखी से लव हो गए, आंखी से प्यार हो गए। एक दिन दो दिन दस दिन पंद्रह दिन बीतल महेंद्र भैया और कर देती है, साहब आप मैरिज हैं कि अनमैरिज हैं? तो जोगिंदर से मीना प्रमिला कह रही है कि साहब आप अनमैरिज हैं कि मैरिज हैं? आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? जोगिंदर कह दिया मेरी शादी नहीं हुई है। तो वहीं जाकर के विंध्याचल देवी के स्थान पर मिर्जापुर में सिंदूर दान कर दिया और अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में बैठा लिया एडीएम जोगिंदर। अब इधर नौ महीना जब बीतल है तो इधर जोगिंदर की दुल्हन मीना अपने पति को फोन लगा रही है तो फोन स्विच ऑफ जा रहा है, परेशान है मीना। लेकिन नौ महीना दस दिन के बाद शिवरात्रि का दिन रहल, एक बच्चा को जन्म देती है और जन्म देने के बाद लेकर के बच्चा को रो रही है। चार साल बीत गया, वह बेटा पूछ रहा है कि मम्मी मेरे पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी होली पड़े ये चच्चा तो पूछ रहे मम्मी उनका पापा आइला हम कपड़ा बनवला, हमार पापा कब आई है मम्मी, कब हमके कपड़ा बनवाईबू? दीपावली हो गया तो रंग पड़ाका थमा दे, होली हो गया तो रंग गुलाल थमा दे। ऐसे ही धीरे धीरे वो लड़का 14 वर्ष का हो गया, अपने पापा को पूछता रहा। एक बार होली का पर्व आया, 14 वर्ष का बेटा अपने बाबा से जिद कर लिया, बाबा आप घर में अच्छा अच्छा नहीं बनवाओगे? बाबा सबके घर में अच्छा बन रहा है, सारे लोग अच्छा कपड़ा पहने हैं, क्या तुम नहीं बनवाओगे? बाबा हमें कपड़ा नहीं बनवाओगे? बाबा अपने लाडले पोता को अपने कलेजे से भर लिया, अरे बेटा देर है अंधेर नहीं है बेटा, तेरे पापा आएंगे तुमको कपड़ा बनवाएंगे मेरे लाल। जाकर के बाबा जहां मजदूरी करते थे प्रयास किए, भैया तनी पैसा देता हूं अपने पोतवा के कपड़ा बनवाई, नहीं मिला, खाली आए। पड़ोस के लोगों से दिया और तेल मांग करके वो बेटा अपना दीपावली मनाया। लेकिन 14 वर्ष का हो गया, लड़की 18 वर्ष का हो गई तो मीना भीख मांगे लगल, एक लाइन तरस बदल गई। वह तर्जबा कि नारी के करना भर भरी भरी नहीं रो छोटी आहर भरी नहीं रो छोटी आहर राज पाठ दी हाल विचार रमहोरा किया हो रमहो भीक
भीख मांगे लगल अपने बेटी का हाथ पीला करे के बाद शादी करे के हा, तो भीख मांगे लगल वो समय का भाव हा। गली के नहीं आते बाबू भीख मांगया चारा बता भैली डगरी आए बाबू तेरा तू लड़की आए रीला तू लड़की रीला आई गई रीले खापाल बारन मोरान भीख मांगते हुए भैया कोई एक रुपया दे दो मेरे बेटी की शादी है मैं 10 रुपए नहीं मांग रही। किसी के समझ में आ रहा है ताना दे रहा है उलाना दे रहा है और किसी के समझ में आ रहा है तो डांट दे रहा है कोई 1-2 रुपए 10 रुपए दे दे रहा है। यही तरह मांगत भैया हो पहुंच गए लेखपाल साहब के दरवाजे पर। साहब आप बड़ा गरीबन का मदद करीला ना का ये भीख मांगे वाली का मदद ना करो। लेखपाल बुलाए बेटी क्या नाम है तुम्हारा। मेरा नाम मीना है। घर कहाँ है तो बताती है धर्मपुर। तुम्हारे पति का क्या नाम है तो नहीं बताती है भुलवा देती है। तो धर्मपुर जब बताती है तो मेरे बेटी की शादी है तो उसी धर्मपुर का रहने वाला एक मेरा मित्र था क्लास फेलो था क्या जानती है उसको। कल क्या नाम है साहब। कल जोगेंदर पहले SDM था BDM हो गया है। कले साहब वो बहुत गरीबन का मदद करल उनका एड्रेस बता दे दे तो उनसे भिखिया मांग ले। वाह ADM साहब का एड्रेस पता दे देते हैं लेखपाल साहब। अब जौन भी देना कपार पर धीले घरे आई 14 वर्ष का बेटा सूखी रोटी खा चटनी रोटी और बस्ता लेके स्कूल के तरफ जात रहा जब माई के देखलस फक के रोवे लगल। अरे पगली कुछ देखे ला जालू दीदी आज कुछ ना बनौली हम भाई बारे गरीबी। माँ अपने लाडले भोला नाम रखती है इसलिए कि शिवरात्रि के दिन पैदा था। अपने लाडले का मुंह पोछती है अचल से बाल सहलाती है मेरे लाल मत रो चलो घर आज स्कूल नहीं जाना है। माई का स्कूल ना जाई आज लेटर लिखल जाई दोनों जने मिल के लेटर लिखू पापा के। अरे पगला जब तू कहता है तो सत्य कहता है तू सही कह रहा है तेरे पापा को लेटर लिखूंगी। घरवा आई माई लेटर टूटा फूटा लिखे लगन का लिखना तक विदेशिया के लाइन में आप लोग गौर करिया। पतिया लिखत मीना ए बाबा फाटे ले छतिया हो कौन भइल गलती रो मरहु साजनावा कल तोहरी पढ़ाई खातिर लख रमु अध्यापन कैली आप चिली हली तम का सिंगार हो साजनावा। कल तोहरी पढ़ाई खातिर लाख हम अध्यापन कैली बेच देनी तन का सिंगार हो सजनवा। कल पैहा खबर स्वामी आईहा भवनावा पर कह बिटिया का करिहा कन्या दन हो सजनवा। लेटरवा बंद कर देला सुनने वाले भैया तनी गौर करिहा। कल तोरे बेटी के बियाह पड़ल कन्यादान करके चल दिया सवाल न करब लेटर बंद कर देना लेकिन लेटरवा लेके के जाई तब लिखल उठा दा तनी सा। कहो दिया कठोती हमर भोला
कल गोदिया कथाती हमार पाती लेके जात बाट देखिया हमार भोलवा गंवार हो सजनों। ए साहब 5 दिन के इला में मुलाकात में यह बच्चा पैदा भेल तो हर इंतजार करत रह गईली कि नए रीत रिवाज में आधुनिक युग में हमरे बेटा का नाम रखबा, लेकिन न इला तो शिवरात्रि के दिन भैला के नाते ए मुनवा का नाम भोला धर देली। हमार भोला से कहला में सुनला में बोला में कहीं त्रुटि हो जाए हमरे मुन्ना के माफ कह दिया साहब। ए भैया भोला तैयार भेल लेटर लेके, आ जैसे तैयार भेल अपन ड्रेस देखलस फटावा स्कूल वाला। माई अरे पगली हमरे पापा का बहुत बेइज्जती हो जाई माई, केहू का कपड़ा मांग के दे दा माई। कहला कहला कि बनला का सार बहनोई हो जगतिया में वही नहीं अपना। प्रयास कैला माई की पड़ोस में बबनी अपने मुन्ना का कपड़ा दे दा हमार बाबू पहनी, न मिलल वही कपड़ा तेल लगा देलस काजल लगा देलस आ चल देलस। जब बेटा आगरा से गाड़ी पकड़ के हिसार से गाड़ी पकड़ के आगरा स्टेशन पर उतरल वही एड्रेस पता पर अपने पापा के हंजात रहल एक लाइन तरस बदल गई मास्टर। कहरो पापा कही के रो वाला एक 3-व्हीलर वाले से कहा कि अंकल मुझे एडीएम साहब के बंगले तक छोड़ दोगे? नहीं छोड़ा। कर साले अपनी सकल आईने में देख के आओ, एडीएम साहब के बंगले जाना। वाह डर गया बेटा। एक रिक्शा वाले के पास गया, खैनी बना रहा था। कहा अंकल, कहा बेटा आओ इधर करीब आओ बेटा, अंकल मुझे एडीएम साहब के बंगले छोड़ दोगे? खैनी बनाता हुआ वो वृद्ध आदमी फेंक दिया। कहा क्यों जा रहे हो एडीएम के बंगले, तुम्हारी सुनी जाएगी? कहा अंकल मुझे छोड़ दो, क्यों जा रहे हो? मेरी बहन की शादी पड़ी है अंकल, मुझे एडीएम के बंगले पहुंचा दो। कहा बेटे 25 रुपए लगेंगे। कहा ठीक है अंकल, मेरी मम्मी दी है, कुछ रोटी खा लिया हूं, कुछ पैसा बचा है, सब दे दूंगा आपको। छोड़ दिया एडीएम के बंगले पर और देखा, बता दिया रिक्शा वाला वही ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, भाई एडीएम है बेटा जाओ। सोचा कि इस ड्रेस में जाऊंगा पापा की इंसल्टी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। यही सोच करके वह बालक आम की सोर पे माँ की दी हुई रोटी खाने लगा। सोचा जब भीड़ खत्म हो जाएगी तो एडीएम साहब के पास जाऊंगा। तो टेरी का भाव है मास्टर। कहो डूबते को भी किनारा मिल गया, डूबते को भी किनारा, ओ डूबते को भी किनारा मिल गया। अरे सपना लाखों लेकर चला है लाल दुलारा, सपना लाखों लेकर चला है लाल दुलारा कि डूबते को किनारा मिल गया। सोचा कि जाऊंगा पापा को खूब डांटूंगा, आप बाबा को भूल गए, आप मम्मी को भूल गए, आप दीदी को भूल गए, खूब डांटूंगा पापा को। तब तक पापा एक फोन रिसीव किए और अपनी जीपसी गाड़ी में बैठ करके फिर आगरा शहर की ओर जाने लगे। जब जाने लगे तो बेटा हड़बड़ा गया, आखिर करूं तो क्या करूं।
एक पत्थर का टुकड़ा एक कंकर उठाया उसी लेटर में डाल करके गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। करता है क्या सुनने वाले भाई, गौर करिएगा, जो हमारी आवाज दूर से सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारंगा की लाइन है मास्टर, घरवा को मारल जाबा बनवा में गईली, अरे बनवा में गईली हो, बनवा में लागी गईले आग जी। घर को मारल बन में गईली, बन में लगल आग, बन बेचारा का कर जब अपने कर्म में लगल आग। चलता है तगड़िया के पीछे पीछे दौड़ा सुगनावा, अरे दौड़ा सुगनावा तो लेटर पियला गलिया ने डाल दी, फेंकता लेटर आवा के देखा सी पहिया भैया, देखा सी पहिया तो मारे लगल लठियल तो मारे जी। होई के लाचार बेटा जीवा जमीनिया, अरे जीवा जमीनिया माई माई करो नाची घर जी। जैसे एडीएम साहब की गाड़ी में लेटर फेंका महेंद्र भैया, पीछे से एक पुलिस वाला पकड़ लिया, साले एडीएम साहब की गाड़ी के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा था। कहा साहब मेरे बहन की शादी है, नहीं बताया मेरे पापा है, कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं भीख मंगा रो एडीएम, सोच रहा रो रहा कलेजा फट रहा है, पापा मुझसे बात नहीं की चले गए। जैसे पकड़ लिया पीछे से साले एडीएम साहब की गाड़ी में तूने क्या फेंका है, रोने लगा मत मारिए साहब बीपत का मारा हूं, मुझे मत मारिए साहब। एक नहीं सुना, चलाया बेत का डंडा, अचानक वह बालक बैठ गया, पीठ पे न लग करके वह गर्दन पे लगा, अचानक वह लड़का वहीं बेहोश गिर पड़ा। 10-15 मिनट के बाद जब होश आया तो रोने लगा, मम्मी मम्मी अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तेरे आंचल पे आऊंगा, अगर मर जाऊंगा मम्मी मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ लेटर पापा की गाड़ी में मैंने डाल दिया है मम्मी। फिर बेहोश हुआ, थोड़ी देर के बाद होश आया, छोटी चार दीवार थी उसी चार दीवार पे जाके बैठ गया, नीचे खाई थी उसी खाई में बालक गिर गया। लेकिन सुनने वाले साथी गौर करिएगा, 5 से 7 मिनट बिहार और है, वो बालक वहीं बेहोश पड़ा है, और एडीएम साहब जब अपने बंगले से और कार्यालय पे गए तो अपने कार्यालय में पहुंचते हैं एडीएम साहब, अपना कार्यभार देखने लगे, सारे सिक्योरिटी वाले तैयारी में हैं, सिक्योरिटी में लगे हैं, और तब तक ड्राइवर गाड़ी की साफ सफाई करना शुरू किया। जैसे ड्राइवर गाड़ी की साफ सफाई शुरू करता है उसी में एक लेटर पा गया, सेवा में सरस्वती सर्वोपमा योग पद लिखा गया, साहब आपकी सुहागन अभागन मीना समझ नहीं आती है बात, इनकी तो धर्म पत्नी ना है, कौन लिखती है लेटर। ले जाकर के एडीएम साहब के पास दिया जब हाथ में, तो एडीएम साहब पढ़ते गए और पहिया खबर स्वामी है यहाँ भवनवा बिटिया के करिहा कन्या दान हो सजनवा, तोरे पढ़ाई खातिर लाख हम अध्यापन कैली, बेच देहली तन का श्रृंगार हो सजनवा। और दूसरी कड़ी जब शुरू होती है कि गोदिया का थाती हमार पाती लेके जात बाटन, देखिया हमार भोलवा कमार हो सजलो। यही बात जब एडीएम सुनता है तो कलेजा फाट गया, रोने लगा, ड्राइवर को इशारा करता है, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और बंगले की ओर चलो, वो हाफ सेट और पैंट पर कोई और नहीं, मेरा लाडला भीख मंगे की तरफ मेरे पास मिलने के लिए आया है। होता है क्या आल्हा का भाव है मास्टर, Thank you.
कि घूम गई ली गाड़ी साहब, अरे चल लो बंगलो बाबू। लेकिन कहना है, गौर करिएगा, ड्राइवर गाड़ी जब आगे बढ़ाता है पूछ रहा है साहब क्यों बंगले की ओर जा रहे हैं, तब तक एक थप्पड़ एडीएम साहब अपने ड्राइवर को लगाते हैं, साले मेरे मालिक नहीं हो, मेरे नौकर हो, गाड़ी चलाओ, क्या तुम्हारी गाड़ी में रफ्तार नहीं है, बैग नहीं है, क्या बैलगाड़ी की तरह चल रहा है। मालिक का थप्पड़ खा करके ड्राइवर का एक गाड़ी का गियर चेंज करने लगा, सिंगल रोड आगरा से और कार्यालय की ओर आ रहे हैं। तब तक हुआ क्या, लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस जा रही है और उधर से मालगाड़ी ट्रक आ रही है, मालगाड़ी ट्रक को ड्राइवर ओवरटेक करना चाहा, ओवरटेक नहीं कर पाया, तब तक रोडवेज की बस आ गई, दोनों का जोरदार टक्कर होता है। आए, आए, आए। और होता है क्या, अला का भाव। सुनने वाले भाई चाचा गौर करिएगा, आपके लिए आपके लोगों के लिए विरहा है। अब हॉस्पिटल में एडीएम साहब को लाया गया आगरा सर के हॉस्पिटल में, जब एडमिट होते हैं एडीएम साहब, तो चार घंटे के बाद एडीएम साहब को होश आया, ड्राइवर मौके पर दम तोड़ दिया, कुछ अधिकारी घायल हुए, कुछ दम तोड़ दिए। आगरा सर के हॉस्पिटल में जब एडमिट करवाया गया तो एडीएम साहब को चार घंटे के बाद जब होश आया तो डॉक्टर से कहे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर चेक करके, कंप्यूटराइज द्वारा चेक करके बताया, एडीएम साहब आपके दिमाग में चोट लग जाने के कारण आपके आंख की रोशनी सदा के लिए चली गई, अब दुनिया नहीं देख पाएंगे, लगाना पड़ेगा नेत्र। एडीएम साहब कहे मैं दुनिया देखूं या न देखूं, लेकिन मेरे बंगले के इर्द गिर्द हाफ सेट और पैंट पर मेरी गाड़ी के पीछे पीछे जो बालक दौड़ रहा था उसको मेरे पास लाया जा। कैसा हो, उस बच्चे से क्या आपका ताल्लुक है, कहे मत पूछो, उसको लाया जाए। ढूंढने लगे अधिकारी तो पता नहीं चला, उसी खाई में बेटा अचेत पड़ा था, लाया गया उसी हॉस्पिटल में, दो घंटे के बाद उसको होश आया। जब होश आया तो होता है क्या, रुक जा बतिया ले जाए, खत्म कर, बस बिहार एकदम खत्म। तो उसी हॉस्पिटल में बेटा एडीएम साहब ने कहा इसका बाल मुलवाया जाए, सहलाते हैं बाल, बेटा तेरा नाम क्या है, तो अंकल मेरा नाम भोला है, तुम्हारे बाबा का क्या नाम है, सुरजीत, तुम्हारे बाबा ठीक है ना, हमारे बाबा भोजन नहीं करते, कभी एक दो कौर खाते हैं, मेरे पापा के याद में बस चारपाई पर पड़े रहते हैं, बस पापा की याद करते हैं अंकल। तुम्हारे पापा कहाँ है बेटा, हमारे पापा इसी शहर में बहुत बड़े अधिकारी हैं। तब तो एडीएम फूट फूट करके रोने लगा, अरे पगला, वही 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 अधिकारी, मैं तेरा बाप हूँ, नहीं मेरे पापा हॉस्पिटल में नहीं, वो कार्यालय पे गए हैं, गाड़ी में गए, अभी आएंगे मेरे पापा। ड्रेस चेंज करवाया गया, सफेद वस्त्र जब पहनाया गया और पुराना फेंकने लगे तो बालक रोने लगा, नहीं मेरी माँ दीपावली के पर्व पर भीख मांग कर मुझे बनवाई है, नहीं फेंक सकता, मेरी मम्मी पूछेगी मैं क्या स्कूल पहन के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
रोने लगा अधिकारी, सारे लोग रोने लगे। उसी बगल में बैठी एडीएम साहब की दूसरी दुल्हन प्रमिला कहती है, एडीएम साहब सीता की तरह आपकी धर्म पत्नी है और दशरथ की तरह आपके पिता है और श्रवण की तरह आपका बेटा है, आपने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अगर आप बताए होते तो मैं आपसे शादी नहीं करती और आपको यही मैं तलाक दे के जा रहे हो, अन्यथा मेरी मोबाइल पे कॉल मत करिएगा। चली गई। अब बेटा पापा की निगरानी में लगा है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथा दिन जब बीतल तो ही हॉस्पिटलवा के फोन से मम्मी के फोन लगा दल प्रधान जी के मोबाइल पर। मम्मी पापा मिल कर रहो, प्यार दुलार दे रहा हूं बेटा। हाँ मम्मी, लेकिन लेकिन जल्दी से बता दा, हमारे पापा के एक्सीडेंट हो गया, आंख से देखा ना हम मम्मी, वही कपड़वा वही साड़ी, हिसार से ट्रेन पकड़ के आगरा आ गई, बेटा रिसीव करके हॉस्पिटल जब लेके गए मम्मी के, तो 14 दिन तक एडीएम साहब का सेवा कैलस, इनका धर्म पत्नी एडीएम साहब जान ना भूल। और जाके डॉक्टर से मिलती है और कहती है, डॉक्टर साहब अगर हो सके तो क्या एडीएम साहब को आंख लग सकती है? कहे हाँ बेटी, अगर हो सकत हमारे दोनों अखियां निकाल के डीएम साहब के लगा था। मैं एक बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके दुनिया के चौपट पे भीख मांग लूंगी, लेकिन डीएम साहब के दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगी। तुम कौन हो बेटी? मैं डीएम साहब की नौकरानी हूं, मुझे बहुत मानते हैं। सवाल लेकर के डीएम साहब को, और डॉक्टर ने दाया नेत्र निकाल करके डीएम साहब को लगा दिया मीना का। 7 दिन के बाद जब आंख पर रोशनी प्रकाश आ गया, जब पट्टी खोले लगल, डीएम साहब कह कि जो जिसने मुझे नयन दिया है उस नयन से पहले मैं उसको देखना चाहता हूं, किसने दिया है जरा बुला लाइए। तो डॉक्टर ने इशारा किया, बेटा नौकरानी को बुला दो। आती है, बेड के सामने खड़ी है गोरतारी, लेकिन जैसे पट्टिया खुलल एडीएम साहब ख्वाब में डूब गईलन। जब डूब गईलन दौड़ के पैर छुए गईलन, 3 पग पीछे हट गई। कल ना हिंदुस्तान की नारी के लिए हिंदुस्तान का पति परमेश्वर के समान होता है, ऐसा मत करिए साहब, ऐसा मत करिए साहब, कहती है। आखिरी भाव है क्या? जीवन भर नदान सजना। चला 19 तारीख के शादी है, चला बिटिया का कैदा कन्यादान सजना। काला जोगिंदर मीना भूल भइल भारी, लेकर के मीना अपने पति को अपने घर आती है। आती है लेकर के मीना एली बालम के भवनवा, खटिया फकीरन लहला सुरजीत की सनवा। जाकर के बेटा अपने पापा का पैर छूना चाहा तो पापा उठकर बैठ गए, बेटा कौन? पापा तोहार सुरजीत, वही सुरजीत रे पगला, वही जोगिंदर, तुम्हारी माँ मर गई, तू 6 दिन का था ना, तुझको अपने गोद में लेकर के गांव वालों से दूध मांग करके पिलाया, और तुम्हारा जब रिजल्ट आया तूने कहा कि पापा अब आपको फरुआ नहीं चलाना पड़ेगा, वही जोगिंदर है तो कह रहा है क्या? अरे खुलला क्या वाला जब जब, अरे खुलला क्या वाला जब जब, अरे पाजल लगा हो पहाड़ा।
पिताजी का आदेश है कि फिर पिछले साल आपको आना है तो आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। बड़े भैया महेंद्र यादव बाबा जी और पिताजी हमारे खुद कलाकार हैं, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। महेंद्र भैया को प्रणाम, सभी जनमानस को, माताएं बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहना है और परमादरणीय दूधनाथ सरदार जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया 100 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख के बराबर है, बहुत बहुत प्रणाम। ए भैया तरी साइकिल कलाकारी भी देख ली है। संजय पहलवान जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया, शंकर कोटीदार साहब आपके द्वारा पुरस्कृत किया गया, चरणों में कोट कोट प्रणाम। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। Come on, 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 come on
Thank you.